तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल छुपादी पर मौसमी पर। मेरा नाम है पम्बी और आज मेरे को एक बहुत ही मस्त वाली खबर मिली है भाई। मेरे को ये पता लगा कि माइनक्राफ्ट की एकदम भोली भाली ब्लॉक्स वाली गेम, चोरस गेम जहाँ पे हर एक चीज एक ब्लॉक के अंदर होती है, वो गेम एकदम रियलिस्टिक हो चुकी है। तो गाइस ये रही हमारी माइनक्राफ्ट की एकदम भोली भाली मस्त वाली एकदम शांत दुनिया जहाँ पे हर एक चीज ब्लॉक के अंदर होती है। और सबसे पहले इन्वेंटरी के अंदर मेरे पास तीन चीजें आ चुकी है। तो मेरे पास है पानी, गाय का अंडा और फीके का अंडा। सबसे पहले हम यहाँ पर मारेंगे पानी और ये देखो लिटरली पानी भी फैलेगा तो वो कैसे फैलेगा ब्लॉक्स के अंदर। और ये रही हमारी गाय जो कि एकदम इसका भी सर एकदम कोने वाला है। हेलो गाय, तेरे बारे में बात कर रहा हूं, चल भाग यहां से। उसके बाद आता है हमारा फिगी, ये भी एकदम ब्लॉक्स। तो घूम फिर के फिर से आगे क्या है तेरे को? लेकिन अभी मेरे को पता लगा कि कुछ लोगों ने माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स एकदम रियलिस्टिक कर दिए हैं। और मेरे को पता है कि ईशान भाई आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक ग्राफिक्स लगा रहे हैं, लेकिन ईशान भाई के ग्राफिक्स भी इन ग्राफिक्स के सामने एकदम टोटली फेल। भाई ऐसा लगेगा कि आप गेम असली में खेल रहे हो। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आज के हमारे कॉन्टेंट सप्लायर है स्टीव। थैंक यू स्टीव, आपने हमको कॉन्टेंट दिया रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो ये रहा गाइस अपना स्टीव, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के अंदर खेल रहा है लौंडा। हेलो गाइस, हां हमारे तरफ से भी हेलो। और ये रहा उसका छोटा सा वर्ड। उसके बाद फिक्की, वेट व्हाट, ये लिटरली रियल लग रहा है भाई, ये तो रियल फिक्की है। ओह माय गॉड, इसने किया कैसे यार? पहले मेरे को ये बताओ, अभी मेरे को देखने किसके ऊपर चपेड़। भाई सॉरी फिक्की भाई, अगर इमेजिन करो ये वाले जानवर असली के अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर हो, मैं उनको मार भी नहीं पाऊंगा, पता है कितना मस्त लग, एकदम रियलिस्टिक। ओह माय गॉड, क्या एनिमेशन इसने बना के रखी है, बिल्कुल। और इसने चपेड़ मारते हुए भाग रहा है। अभी मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसके ऊपर अगर लावा गिरेगा तो नहीं 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 गिराना पीके के ऊपर लावा। तो गाइस स्टीव का चैनल देखने के बाद मेरे को सजेशन में एक और चैनल आया जिसका नाम है क्वेजर। तो इसने भी एक मस्त वाली रियलिस्टिक वीडियो बना के रखी है। तो अगर मैं ये गाय वाली वीडियो प्ले करके देखूं, वेट व्हाट, तो ये रही गाइस हमारी माइनक्राफ्ट की एकदम भोली भाली स्क्वायर लाइक बॉक्स वाली गाय। और अभी हम इसको हटा के, ओ माय गॉड भाई, मुंह की एनिमेशन भी एकदम उसने करके रखी है। गाइस आप देख रहे हो कितनी मस्त वाली डिटेलिंग करके रखी है। ओके, थोड़ी बहुत वॉकिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है गाय को, तो यार वॉकिंग थोड़ी बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए एकदम रियलिस्टिक। अभी इस गाय के ऊपर हम डालेंगे, नहीं नहीं डालेंगे, गाय के ऊपर लावा नहीं डालते माइनक्राफ्ट के अंदर। अभी उसके बाद दूसरी वाली वीडियो आ चुकी है, यहाँ पर उसने लिखी सोल सैंड, सोल सैंड के ऊपर कोल्ड रेन और उसके होली मुल, ओ माय गॉड, और ये पानी का रंग भी चेंज हो रहा साथ के साथ, व्हाट द हेल, अबे कितना, अरे वो पिघल गया भाई, क्या रियलिस्टिक एनिमेशन है उसके। यो भाई हेलो, ये हो क्या रहा है यहां पर? तो आई थिंक ये कुछ नई, अरे ये तो गार्डियन है वो। ओ अगर माइनक्राफ्ट वाले देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि गार्डियन ऐसे करे भाई, जैसे जमीन के ऊपर उसने मुक्का मारा पूरी धरती एकदम से बाहर आ जानी चाहिए। भाई इनके ग्राफिक्स कितने मस्त लग रहे हैं, पूरा गड्ढा उसने कर दिया। ओके अभी यार अपना ज़ॉम्बी साथ में थानोस का गॉन्टलेट, भाई क्या सिल्की स्मूथ एनिमेशन। तो जैसे उसने क्लिक किया ज़ॉम्बी एकदम पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो गया। अभी इसने यहाँ पे स्टोन ब्लॉक रखा, वो स्टोन ब्लॉक ये कैसे कर रहे हैं यार ये? भाई टेक्नोलॉजी देख रहे हो कितनी आगे पहुंच चुकी है भाई, क्लिक किया बंदा गायब, वो भी गेम के अंदर, और वो भी कौन सी गेम, माइनक्राफ्ट के अंदर। ओ माय गॉड, एकदम कूल लग रहा है मेरे को ये। ओके अभी आता है अपना गोलम, अभी गोलम के ऊपर मारेगा ये ग्लव, और आपने देखा गोलम एकदम छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, और उसके कंधे से ये देखो ऑलरेडी ब्लॉक्स जाना शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं फिर से स्पेस बार दबाऊं और वीडियो को प्ले करूं, और ये देखो The coolest thing, कितना realistic लग रहा है। Okay, अभी क्या कर रहा है, अभी से चेस्ट खोला, उसके अंदर निकाला पम्पकिन साथ में कॉपर। अब ये मत बोलो कि तू कॉपर गोलम बना रहा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, वो पीछे गोलम देख रहा है, क्या हो क्या रहा है पीछे गोलम देख के एकदम उसका दिमाग बाहर आने वाला है और देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। और ये देखो आई थिंक ये कॉपर गोलम बनाने वाला है यहाँ पर। और इसी के साथ ही गाइस हमने यहाँ पर बना लिया एक फ्री में कॉपर गोलम। हेलो, आरंभ की माइनक्राफ्ट की गेम के अंदर कॉपर गोलम होता है, लेकिन अगर होगा तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। ओके तो यहाँ पर आ चुका, अबे कितने सारे ब्लॉक्स निकल रहे हैं भाई, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं से हाथ मार के डायमंड्स ले लूं। भाई कितना गहरा कुआं इसने खोद कर रखा हुआ है मैन। ओके अभी इसे लग रहा है प्लैंक, ओ माय गॉड कितना रियलिस्टिक लग रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आपने देखा आग उस प्लैंक से बिल्कुल बाहर गई ही नहीं। भाई वंडरिंग ट्रेडर वो लिटरली ही सोच रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हुआ क्या यहाँ पर। अभी अपने लामा को समझा रहा है कि काम करते हैं यहाँ से निकलते हैं, ये बंदा पागल है, चुप करके यहाँ से निकल जाओ। और ये देखो रियल लाइफ तरबूज, अरे वो इतना भाई हेलो, तरबूज के अंदर इतना जूस होता भी नहीं है। ओके माइनक्राफ्ट के अंदर होता होगा, लेकिन रियल लाइफ में आई डोंट थिंक इतना होता होगा। और क्या परफेक्टली शेप के अंदर काटा है उसने, हो
भाई ऐसी ग्रास आई डोंट थिंक कि मेरे मेरे गार्डन में होगी। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ और मैं क्या इतने बंदे कितनी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ग्रास उनके गार्डन के अंदर आए, लेकिन लिटरली ऐसा होता ही नहीं। ओह माय गॉड, मैं सारा दिन इस ग्रास के ऊपर बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, हक सकता हूँ। ये नेदर के अंदर क्या कर रहा है, सोल सैंड के ऊपर इसने अगर ये फायर मारेगा एकदम रियलिस्टिक। भाई नेदर के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है ये मेरे को पता नहीं था। भाई प्लीज माइनक्राफ्ट वालों, मेरे को कोई ऐसा मॉड चाहिए जिसके जरिए मैं ये चीजें कर सकता हूँ। एक वो फैल रही है आग और वो बुझ गई। ओके वो फैल चुकी है, बाकी सारे ब्लॉक्स जो है कवर हो चुकी हैं और पूरा माय गॉड ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई फोर्थ डायमेंशन की पोर्टल यहाँ पर खुल चुकी है। एनीवेज अभी आ चुका है गोलम की वार है। ओके तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बन रहा है यहाँ पर आयरन गोलम। देख यहाँ से लगाया और एक लगाया उसने राइट हैंड साइड से, गोलम क्यों नहीं बना। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सस्ती टर्मिनेटर 2 देख रहा हूँ, क्योंकि एंड में यही सीन हुआ था मूवी के अंदर भी। भाई साहब सारा आयरन तो स्मेल्ट होके नीचे गिर गया, ये देख ले सारा नीचे गिर गया भाई। लेकिन फिर भी ये वाली गोलम समन होने की एनिमेशन एकदम सुपर कूल थी। ओके यार मैं क्या बोलूं भाई, इतना मस्त कैसे बनाया इसने, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। और चलने के इफेक्ट भी देखो, अगर मैं असली में, रुको मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर मैं रियल लाइफ में मिट्टी लेता हूँ, मिट्टी का एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, उस बॉक्स के अंदर मिट्टी डालता हूँ, अगर मैं उस मिट्टी के अंदर जंप मारता हूँ तब भी ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर पड़ा हुआ एक चेस्ट, चेस्ट को खोलेंगे और चेस्ट के अंदर से हैंग ऑन अ सेकंड, चेस्ट के अंदर कोई ना कोई है। अरे व्हाट, कितना सारा सामान चेस्ट के अंदर से निकल रहा है। इमेजिन इमेजिन गाइस, हमने ये सेम चेस्ट और सेम इफेक्ट हीरो बने एसएमबी के अंदर डाल लिया और इमेजिन करो अज्जू भाई आगे खोल रहे हैं, भाई क्या धमाका। खत्म खत्म, और कल आना बाकी कल आना। यहाँ पर एक और चेस्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ा है पानी। भाई पानी का इफेक्ट मेरे को एकदम भाई हेलो कितना पानी गिर रहा है यहाँ से, पानी का इफेक्ट एकदम रियलिस्टिक है यार यहाँ पर। ओके अभी आ रहा है छोटा सा स्क्वायर जिसको हमने खोदना है, आई थिंक 4x4 ब्लॉक के अंदर खोदना है। और अभी इसके अंदर रखते हैं डिस्पेंसर या ड्रॉपर, उसके ऊपर लिवर और अभी निकलेगा इसमें से पानी। व्हाट, अरे भाई ओ माय गॉड क्या इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। भाई तूने कैसे किया ये, भाई डिस्पेंसर या ड्रॉपर के अंदर इतनी जगह होती भी नहीं है, लेकिन ये लिटरली मिलियंस के तादाद में चीजें बाहर आ रही हैं। ओके प्लीज भाई इसके नीचे टीएनटी रख, क्योंकि मुझे देखना कि जब टीएनटी फटेगा तो ये कितनी ऊपर जाएंगे। प्लीज टीएनटी रख दे इसके नीचे। अरे यार उसने नहीं रखा। ओके अभी आती है नेक्स्ट चीज और यहाँ पर रखते हैं उसने हे बैल ऊपर कैंप फायर। रियलिस्टिक कैंप फायर गाइस, भाई ये चीजें देख के तो एकदम मेरा माइंड दूसरे लेवल पर पहुंच चुका है। ओके अभी आता है ड्रैगन कंडा और ड्रैगन कंडा लिटरली हैच कर रहा है। ओ माय गॉड उसके अंदर से निकल रहा बेबी ड्रैगन, अरे वो ग्रो हो रहा है मेरे सामने। यो भाई क्या ये मेरा पालतू ड्रैगन है कि नहीं है, अरे वो उड़ के भाग गया, अरे खत्म हो गई यार। अरे और भी है, रुको 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 और भी है। तो यहाँ पर उसने रखी सोल सैंड साथ में ड्रॉपर और साथ में रखा है उसने एक ओक लॉग, उसके ऊपर लगा अंतर लगाया पानी और लिवर। यार मेरे को पानी वाला इफेक्ट देखना, ये तो नकली वाला इफेक्ट है यार, मेरे को रियलिस्टिक वाला इफेक्ट देखना। अब यार ओ रे जेट वॉश, लकड़ी को हम धोएंगे, माइनक्राफ्ट के अंदर लकड़ी ऐसे धुलती है। हाँ ये वाली चीजें देख के तो मैं एकदम बौखला गया हूं। अगर आप भी बौखला गया तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इफेक्ट आपका सबसे फेवरेट था। मेरा पानी वाला इफेक्ट एकदम मस्त है। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।